हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग हैं शोरूम में, सॉरी सर्विस सेंटर में, और हम लोग अपनी गाड़ी देखने के लिए आए हुए हैं, एक्चुअली लेने आए हुए हैं। पर यहाँ देखने लग रहा है कि अभी 15 डेज के बाद भी शायद से कंप्लीट नहीं हुई है। तो लेट्स सी। अभी तक रेडी नहीं हुई है, वो टाइम है उसमें। तो पापा हैं अंदर, मैं निकल रही हूँ घर वापस क्योंकि मेरी मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी है। और वो तो अच्छा हुआ, मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे, उसकी स्कूटी हमने ले ली है, मतलब पापा के पास ही थी वो, तो अब मैं उसको लेके जा रही हूँ, पापा कार लेके जाएंगे। तो हाँ चलते हैं, फिर जब कार आएगी घर तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर आए हुए थे हम, शायद मैंने शुरू में आपको बाहर से दिखाया नहीं। रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, हमारी गाड़ी हमें मिल गई है। तो हमें निकलना बहुत जल्दी था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतने टाइम के बाद भी गाड़ी कंप्लीट नहीं की थी। फिर वो कंप्लीट होके अभी हमें मिली है 9 बजे और अब हम फाइनली घर जा रहे हैं। तो एक महीने की पूरी ट्रिप के बाद अब हम फाइनली पचमढ़ी जा रहे हैं। कितने बार यहाँ से आते जाते हैं लेकिन हर बार हमें ये गेट क्लोज ही मिलता है, एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि हमें ओपन मिले कभी। एंटरिंग पचमढ़ी नाउ। शायद मैच चल रहा है, यहाँ इस साइड ना ग्राउंड है और यहाँ पे ना शायद, हाँ यहाँ पे मैच चल रहा है। हेलो एवरीवन, सो इट्स 24 दिसंबर, तो आज है क्रिसमस ईव। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। और जैसे ही हम पचमढ़ी आए, हम घर आ चुके हैं, और पचमढ़ी आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मुझे सर्दी हो गई। एज यूजुअल मैं कहीं से भी आती हूँ, घर पहुँचते ही मुझे सर्दी हो जाती है, तो वही मैंने आने के बाद कोई क्लिप रिकॉर्ड करी नहीं है। तो बस मैंने अभी कैमरा ऑन किया और मैं अभी बात कर रही थी। तो फर्स्ट डिस्क्लेमर, अब मैं आपको उस वाइट कलर के पोचू में नहीं दिखूंगी, नहीं दिखूंगी, नहीं दिखूंगी, बिल्कुल ही नहीं दिखूंगी। वो मुझे इतना पसंद था लेकिन मैंने उसको इतना पहन लिया, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे तो ऐसा था कि हम लोग घर जा रहे थे, फिर हम सडनली नानी के घर चले गए और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और फिर हम 15 दिन वहीं रुक गए। तो वह यही हुआ और मैंने सिर्फ एक वही रखा था। इवेंचुअली मैंने कपड़े भी बहुत सिलेक्टेड रखे थे, मतलब एक टॉप और वो, तो मैं वही पहन रही थी और वो सारे मेरे फेवरेट थे। बट अब ऐसा हो गया कि इनको बिल्कुल ही हटा दो, तो मैं आपको दूसरी चीज़ों में भी दिखूंगी। और या अभी तो कुछ प्लान नहीं है क्योंकि अभी तो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तब भी कल वीकेंड है तो फिर कुछ अच्छा अच्छा हम करेंगे। तो देखते हैं कल क्या करते हैं, कल क्रिसमस भी है क्योंकि, तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप सोच रहे हो कि कहाँ पर है आयशी? आयशी कहीं नहीं, आयशी अपने घर के बाहर खड़ी हुई है। तो मेरा घर ऐसी जगह पे है, मतलब मेरे घर के आसपास यहाँ पे कुछ घर है और फिर यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो अभी रात हो गई है क्योंकि, तो फिर ये पूरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो ठीक है, कल जब मैंने बोला था कि मैं कुछ अच्छा अच्छा करूँगी, उसके बाद कुछ भी अच्छा अच्छा नहीं हुआ, पूरा दिन मेरा सोने में ही निकल गया क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। अभी हम कुछ लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि क्रिसमस पे कैसा है मार्केट का हाल, क्योंकि
वैसे रात के 10 बज रहे हैं, तो चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ये कार के ग्लास पे आप देख रहे हो ना, ये पानी जैसा, ये ठंड के कारण ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि अंदर हीटर चल रहा है और बाहर ये पूरा एक लेयर ऐसे जम जा रही है जैसे कि बारिश हुई हो। तो थोड़ा बेयर कर लेना, मतलब ये व्यू को थोड़ा ब्लॉक कर रहा है। ये यहाँ पे देखो, ये जो डेकोरेशन है ना, अभी आएगा आएगा आएगा। हाँ, ये चर्च है पचमढ़ी का, और मुझे यहीं पर आने का इतना मन था, इतना प्यारा डेकोरेशन करके रखा है इन्होंने, लेकिन मैं आ नहीं पाई। इट्स रियली ब्यूटिफुल राइट। ये मार्केट है पचमढ़ी का, यहाँ पे आप देखो सारी शॉप्स जो है ना और रेस्टोरेंट्स, ये सब बहुत ज्यादा डेकोरेट किए हुए हैं अभी, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना। अंकल परेशान है कि लड़की कर क्या रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को धोखा दे रही हूँ ये बोल के कि नहीं मैं कुछ अच्छा अच्छा करूँगी, फिर मैंने कुछ अच्छा अच्छा नहीं किया। मुझे लगा था मेरी हिम्मत हो जाएगी, और मेरा बहुत मन भी था कि एटलीस्ट ठीक है हम एक वॉक पे तो जा ही सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद ही जाना था, वीकेंड पे ही मिलता है जाने के लिए। लेकिन पता, हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे कैमरा में तो फिर भी शक्ल अच्छी दिख रही है, वरना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। एक्चुअली जब हम यहाँ पर आए ना, यहाँ बहुत ही ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 0.5 टेम्परेचर चल रहा था, -0.5 टेम्परेचर चल रहा था जब हम यहाँ पे आए हुए थे। तो मतलब इतना ज़्यादा ठंडी, और मुझे इतनी सर्दी और बुखार हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो गई थी, तो बस कुछ भी नहीं किया। और अभी बस अभी रात के 10 बज रहे हैं, और 10 बजे हम लोग बस मार्केट आए हुए हैं, क्योंकि हमें कुछ कुछ सामान लेना था, तो बस उसके लिए ही आए हैं। बाकी तो कोई भी प्लान नहीं है मतलब, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन वो तो क्योंकि 10 बज गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा खाली है। दस बज गए, क्यों घूम रहे हो, जाओ ना, सबको ठंडी नहीं लग रही है क्या? एक्चुअली ना ऐसे ही होता है, अभी हम यहाँ पे लोकल्स हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी ठंडी में बाहर क्यों घूम रहे हैं ऐसे 10:30 बजे, लेकिन हम खुद भी ऐसे बाहर जाएंगे तो फिर हम भी ऐसे घूमेंगे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी लोकल नहीं होगा, रेयरली एक दो लोग यहाँ के लोकल होंगे, सब टूरिस्ट हैं यहाँ पर ठीक है, हम घर चलते हैं अब। Thank you.
सारा गुस्सा आता होगा ना आप लोगों को भी जब आप कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते होगे, आपको लग रहा होता होगा कि रिकॉर्डिंग हो रही होती होगी और बिल्कुल आप एक दो मिनट का रिकॉर्ड कर लेते होगे, फिर पता चलता होगा कि नहीं कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने मार्केट में पूरा बहुत सारी बातें कर ली, उसके बाद मुझे समझ में आया कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो मैं यही बता रही थी कि इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, अभी 10 बज रहे थे जब हम मार्केट गए थे और हम सिर्फ कुछ सामान वामान लेने के लिए गए हुए थे, तब भी वहाँ पे टूरिस्ट था जबकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और मतलब इतना जनरली इतना रश है कि पापा के कुछ मतलब दोस्त के भी मतलब ऐसे पहचान वाले कोई आ रहे थे तो उनके लिए होटल देखनी थी, तो पापा ने पूछा यहाँ वहाँ पता क्या होटल का, तो बेसिक जो होटल के प्राइसेस है वन रूम वो भी 4,000 का है सिर्फ बेसिक, और मतलब हालत ऐसी है कि ऑलमोस्ट पूरा फुल ही है, मतलब रूम्स ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा रश होता है। मस्त है कि अगर कोई भी आ रहा है ना तो प्लीज़ रूम बुक करके आना, अदरवाइज सिर्फ परेशान होना ही हाथ रह जाएगा और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, और वहाँ से फिर मार्केट से सामान क्या ले रहे थे, एक्चुअली मम्मी को आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम लेने गए थे, और मुझे मैगी चाहिए थी तो हम मैगी लेने के लिए गए हुए थे। उसके बाद पापा की नाइट शिफ्ट है तो पापा को ऑफिस छोड़ दिया और बस मैं गाड़ी लेके अब घर ही आ गई हूँ, तो ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने बोला था कि हम कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कुछ अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो ठीक है, होपफुली यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट। अभी तो घर चलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। विद दिस क्लिप ऑफ बॉइलिंग मैगी आई थिंक आई शुड एंड माई व्लॉग हियर, बाय एवरीवन।